नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले मैंने मार्वल की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी। वह मूवी देखने के बाद मेरे बेटे ने मुझे यह प्रश्न पूछा कि क्या भारतीय सनातन ग्रंथों में, इंडियन स्क्रिप्चर्स में, मल्टीवर्स, अनंत ब्रह्मांड की कोई बात की गई है। और उसका जो मैंने जवाब दिया उसके बारे में आज का यह वीडियो है। मैंने जवाब दिया हाँ, हमारे शास्त्र युगों के आधार पर बने हैं। जैसे कि रामायण घटित हुआ त्रेता युग में, महाभारत घटित हुआ द्वापर युग में। सो युगों का अंतर है, फिर भी रामायण, योग वशिष्ठ रामायण, आध्यात्मिक रामायण, महाभारत, वेद व्यास जी रचित कई पुराण, श्रीमद् भागवतम, इन सब में मल्टीवर्स के बारे में एक दो नहीं, कई सारी घटनाएं दर्शाई गई है। आज यहाँ पर सिर्फ मैं एक दो रेफरेंसेस दे रहा हूँ। योग वशिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण में यह कथा आती है। पद्म राजा की लीला नाम की एक पत्नी थी। अब लीला को पद्म राजा से अति स्नेह था, तो वो सोचती है कि क्या मैं किसी उपाय से मेरे पति को अमरत्व, इमोर्टालिटी दे सकती हूँ। तो वो उस नगर के जितने भी विद्वान लोग थे उन सबको राज दरबार में बुलाती है, उनसे विमर्श करती है और ये पूछती है कि क्या मैं कोई जप तप या योगिक क्रिया से मेरे पति को अमरत्व दे सकती हूँ। तब वहाँ के विद्वान कहते हैं कि जप तप या योगिक क्रिया से आप कोई योगिक सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अमरत्व आप किसी और को नहीं दे सकते। तो निराश होकर फिर लीला सरस्वती देवी, गॉडेसिस ऑफ विजडम की प्रार्थना करनी स्टार्ट करती है। कई साल बीत जाते हैं और प्रसन्न होकर फिर सरस्वती देवी वहाँ पर प्रकट होती है। जब वो इच्छा करती है कि मैं मेरे पति को अमरत्व दूँ, सरस्वती देवी भी यही कहती है कि कोई किसी को अमरत्व नहीं दे सकता, लेकिन एक अन्य बात हो सकती है और वो ये है कि तुम्हारे पति के मृत्यु के बाद भी तुम जब भी चाहोगी तब उसको देख पाओगी। इतना ही नहीं, वो जहाँ पर भी होगा अगर तुम चाहो तो उसको मिल भी पाओगी। लीला अति प्रसन्न हो जाती है। अब जैसा कि काल का क्रम है, कुछ समय के बाद पद्म राजा की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे सरस्वती देवी ने समझाया था, लीला उनके मृतदेह को सुरक्षित करके रखती है और सरस्वती देवी का आवाहन करती है। जब सरस्वती देवी आती है तब लीला ये कहती है कि मेरा पति कहाँ पर है। जब सरस्वती देवी को ये पूछा जाता है, सरस्वती देवी जहाँ पर लीला थी, जहाँ पर उस पद्म राजा का मृतदेह पड़ा हुआ था, राजमहल के वही कक्ष में, उसी आकाश में एक अन्य ब्रह्मांड को ओपन करती है, अन्य ब्रह्मांड को दिखाती है और उस यूनिवर्स में पद्म राजा 16 साल के थे, वो राज दरबार में बैठे हुए थे। यह कोई स्वप्न नहीं है, वह पूरी तरह से चेक करने के बाद लीला वापस आती है और सरस्वती देवी को यह प्रश्न पूछती है कि ये कैसे हो सकता है, ये एक पैरेलल यूनिवर्स था, ये तो मैंने समझ लिया, लेकिन यहाँ इस ब्रह्मांड में मेरे पति की अभी अभी मृत्यु हुई है और वहाँ वो 16 साल के कैसे हो गए। जवाब में सरस्वती देवी यह सिद्धांत समझाती है। सर्गे सर्गे पृथग रूपम संति सर्ग अंतराण्यपि तेषु अपि संतः स्थ सर्गोदाह
कदली दल पीठ वत, अर्थात हे लीला, जिस प्रकार केले के तने के अंदर एक के बाद एक परतें निकलती रहती है, उसी प्रकार प्रत्येक सृष्टि के भीतर नाना प्रकार की सृष्टि क्रम विद्यमान है। इस प्रकार एक के अंदर एक अनंत सृष्टियों का क्रम चलता रहता है। जब सरस्वती देवी को लगा कि यह सिद्धांत लीला को समझ में नहीं आया है, तब इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए सरस्वती देवी लीला को एक अन्य ब्रह्मांड में ले जाती है जो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म था, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब उस ब्रह्मांड में उनके पति पद्मराजा का जो पति पद्मराजा जो था उनका नाम था वशिष्ठ और लीला का नाम था अरुंधति, वो दोनों ब्राह्मीण थे। इतना ही नहीं, जो वशिष्ठ वहाँ पर जो पद्मराजा जो कि वशिष्ठ बन के थे उनकी उम्र 70 साल की थी और वो अभी अभी मृत्यु हुए थे, उनका मृतदेह वहाँ पर दिखता था। लीला ने वो भी देखा। यह देखते ही लीला के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और मल्टीवर्स के सिद्धांत को वो समझने लगती है। फिर भी यह मल्टीवर्स का सिद्धांत लीला पूरी तरह से समझ पाए इसीलिए सरस्वती देवी वहाँ पर एक मूल्यवान श्लोक देती है। आप श्लोक देखें, आकाशे परमाण्यवंत द्रव्या देरेण के अपि च जीवाणुर यत्र तत्रेदम जगत वेत्ति निजम वपुः। अर्थात संसार में व्याप्त प्रत्येक परमाणु के अंदर या प्रत्येक जीव के अंदर जैसे स्वप्न लोक होता है, वैसे ही प्रत्येक जगत के अंदर या प्रत्येक परमाणु के अंदर प्रत्येक एटम के अंदर अनंत विश्व होते हैं। अब मजा ये है कि वहाँ के टाइम की जो कल्पना है या वहाँ का जो टाइम है वो भी अलग अलग होता है, और वह समझाने के लिए फिर सरस्वती देवी वापस लीला को वहाँ पर ले जाती है उस ब्रह्मांड में जहाँ पर पद्मराजा 16 साल के थे। अब इस दफ़े जब वो वापस जाते हैं तब उस पद्मराजा की उम्र 70 साल की हो चुकी थी। जब आश्चर्यचकित होकर लीला देखती है तब सरस्वती देवी ये कहती है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई घटना एक सेकंड में होती है, हो सकता है कि अन्य किसी ब्रह्मांड में तब तक 100 साल बीत गए हो। टाइम भी अलग अलग होता है। सो इतनी सटीकता से पैरेलल यूनिवर्स या फिर मल्टीपल यूनिवर्स के बारे में, मल्टीवर्स के बारे में शास्त्रों में बात की गई है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक प्रसंग दिया है आपको, इसके अलावा रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम या कई सारे पुराणों में मल्टीवर्स के बारे में कई घटनाओं के उल्लेख हैं। आपको जान के आश्चर्य हो और हमारे शास्त्रों के प्रति मान हो, उसके लिए यहाँ पर मैं श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक देना चाहूँगा जो ये कहता है कि जो ब्रह्मांड हमें दिख रहा है वह ब्रह्मांड पृथ्वी, उसके ऊपर नक्षत्र लोग, आकाश गंगा जैसे 7 आवरणों से घिरा हुआ है, लेकिन ऐसे कई ब्रह्मांड है। इतना ही नहीं, ये जो पूरे का पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है वह मान लो जैसे कि एक एटम के अंदर है, और हम सबको पता है कि हमारे आसपास कितने एटम्स हैं। प्रत्येक एटम के अंदर अनंत ब्रह्मांड है। ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड मल्टीवर्स है। आप श्रीमद् भागवतम का श्लोक देखें, शित्यादि भीरेश किलावृतः सप्तभीर दश गुणोत्तरेर अंडकोशः यत्र पतत यणुकल्पः सह अंडकोटि कोटिभिः तद अनंतः। आखिर में मैं बात करना चाहूँगा रामायण के बारे में। अब आध्यात्मिक रामायण में एक घटना आती है। राम भगवान जब वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं, सीता जी को ये समझाते हैं
कि तुम्हें मेरे साथ वन में नहीं आना चाहिए, तुम्हें बहुत कष्ट होगा। तब सीता जी ये कहती है, हे राम, आपने इस मल्टीवर्स में अनंत ब्रह्मांड में कई रामायण देखे होंगे, सुने होंगे, क्या आपने किसी भी रामायण में राम सीता के बगैर वनवास गए हो ऐसा सुना है? तो फिर इस दफ़े भी आप कैसे अकेले जा सकते हो? आप आध्यात्मिक रामायण का श्लोक देखें, रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुभिर् द्विजयहि। सो वो रामायण हो, आध्यात्मिक रामायण हो, योग वशिष्ठ रामायण हो, श्रीमद् भागवतम हो, स्कंद पुराण हो, वायु पुराण हो, ये वेद व्यास जी ने जो 18 पुराण लिखे, उन सभी पुराणों में ऐसी बहुत सारी घटनाओं के उल्लेख है। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सबको पता चले कि ये मल्टीवर्स का जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत हमारे शास्त्रों में भी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आज जब विज्ञान बात करता है मल्टीवर्स की, तो उसके बीज हमारे शास्त्र में ही है। यह स्पष्टता करने के लिए ही यह वीडियो बनाया गया है। मुझे आशा है कि यह जान के आपकी भारतीय सनातन ग्रंथों के प्रति जो आस्था होगी, वह और भी बढ़ जाएगी। ऐसी समझ के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। शुभम भवतु, प्रणाम।